आपको कहा था कि हम आपको पूरे हॉस्पिटल का विज़िट कराते हैं। ये यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो यहाँ पे बैठते हैं। ये बैर हॉस्पिटल है, ये उसकी बिल्डिंग है, ये पार्किंग एरिया है सारा, ये बिल्कुल रोड के ऊपर ही है, ये सारा पार्किंग एरिया है। यहाँ पे ये होम्योपैथी क्लिनिक है, पेलकन होम्योपैथी के नाम से। ये बैर हॉस्पिटल की मेन इंट्रेंस है, ये देखिए। ये फीमेल वेटिंग रूम है जहाँ पे पेशेंट आके बैठते हैं, अपने डॉक्टर्स का वेट करते हैं और अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं। ये फीमेल वेटिंग रूम है। इसमें हमारे पास सर्जरी डिपार्टमेंट, होम्यो डिपार्टमेंट और फिजिशियन, गायनी, सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये हमारा इमरजेंसी रूम है हॉस्पिटल का, ये डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे इमरजेंसी के हवाले से। ये कुछ ऐसे चीज़ हैं पेशेंट की, हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारियाँ और मरीजों की ज़िम्मेदारियाँ। ये हमारा इमरजेंसी रूम है। ये स्कैन मशीन है, ये इमरजेंसी ट्रॉली है, जी हाँ जी, हमारी डॉक्टर जवेलिया असलम फिजिशियन हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये उनका रूम है। ये एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं उनके, ईसीजी मशीन। ये पेशेंट का वेटिंग एरिया रूम के अंदर, जब पेशेंट चेक करवाने आता है तो डॉक्टर साहब के साथ बैठ के। ये जो कुछ सैंपल्स हैं, फिजिशियन के बाद हमारे पास जनरल सर्जरी में प्रोफेसर फारूक साहब हैं, ये एग्जिट रास्ता है यहाँ से बाहर जाने के लिए इमरजेंसी। ये वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे पूरे रूल्स के साथ वेस्ट मैनेजमेंट की जाती है इनकी। अब हम आपको दिखाते हैं साइड रूम्स जहाँ पे पेशेंट स्टे करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। ये पेशेंट बेड हो गया, ये पेशेंट के अटेंडेंट के लिए बैठने की जगह, काफ़ी देर से स्टार्ट करना पड़ा। ये पेशेंट वेट कर रहे हैं डॉक्टर्स का, वेटिंग एरिया है मेल पेशेंट। जी डैडी, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ट्रेन में ऊपर लेके जा रहे हैं, ये ऊपर भी हम विजिट कर रहे हैं। हरी अब, अरे आप शाबाश।
दरायन हमें ऊपर लेके आ गए हैं। ये ताहिर भाई हैं, हैंडशेक करें बेटा। ये हमारी फार्मेसी है। जल्दी से हैंडशेक करें बेटा। वॉशिंग एरिया है जहाँ से डॉक्टर्स वॉशअप होके तो अपने अपग्रेड के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। अब हम आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके चलते हैं। ये बेबी वार्मर है, ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है। ये देखें जी, अब हम जब भी अपने रिमार्क्स पास करेंगे जो कि बहुत नेगेटिव होते हैं इनके हर वक्त। ये मेडिसिन रैक है जो कि ओटी में मेडिसिन यूज होती हैं उस हवाले से। ये ओटी लाइट केस करने से यहां पे मशीन में तो करवा दे है ना डॉक्टर का। ये उस्मान भाई हैं, ये अमजद भाई हैं, पगड़ी भाई को टिक्का लगाओ। ये उस्मान भाई हमारे ओटी के इंचार्ज हैं। टोटल ओटी जो है इनका सेटअप इनके पास है और माशाल्लाह बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। अभी इन कुछ फ्लक्चुएशन हो गई थी लाइट के हवाले से तो इन्होंने मुझे बिल्कुल बुला के वो काम सही करवाया। रहन ने ओटी का विज़िट कर लिया है, अब विज़िट करने के बाद बाहर जाने लगे हैं। देखते हैं कि अब हमें कहाँ लेके जाते हैं। हमें लेके आएंगे मेरी कमेंट दिखाइए जो हमने बताया था आपको हमारे पास साथ।
रैन, ये होम्योपैथी के हवाले से फार्मेसी है हमारी। फीमेल वेटिंग रूम की तरफ आ गए हैं जी। दरायन हैदर हमें पूरे हॉस्पिटल में घुमा घुमा के अब अपनी सीट पे आके बैठ गए हैं। दरायन हैदर कैसे लगा बाबा का हॉस्पिटल जी? बाबा डैडी डैडी जी डैडी 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 डैडी। दरायन हैदर की शरारतें स्टार्ट हैं, अभी तक ख़त्म होने पर नहीं आ रही। ये दरायन के बाबा का रूम है, ये मैनेजमेंट के हवाले से हमारा ऑफिस है। यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल की PIC के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी है हमें इंडिकेटर्स कंप्लीट करने होते हैं, तो यहाँ पे मीटिंग एरिया भी है और इसमें बैठ के हम मीटिंग रूम में मीटिंग भी करते हैं और अपने इंडिकेटर्स भी कंप्लीट करते हैं सारी। हम आपको अपनी लेबॉरेटरी दिखाते हैं, ये हमारी लैब है। इसमें तकरीबन हर किस्म के टेस्ट होते हैं, यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ हैं और रिपोर्ट भी टेस्ट के फौरन बाद ही पेशेंट को दी जाती है। फ्रीजर भी रखा हुआ फ्यूज रखने के लिए। दरायन गेम खेलते हुए दोबारा करो कैसे दोबारा करो ये साजन है हमारे क्लीनर, यहाँ पे बहुत अच्छी सफाई करते हैं, हमारे पूरे हॉस्पिटल को उन्होंने चमका के रखा हुआ है। सारे हॉस्पिटल की सफाई में इनका प्रॉपर हाथ है जी। दरायन हमारे को डॉक्टर बने हुए हैं। जी दरायन क्या करें आप?